साहिवाल से एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। साहिवाल में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन एपका की तरफ से महकमे एंटी करप्शन के खिलाफ एहतजाज। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, महकमे एंटी करप्शन के खिलाफ सख्त नारेबाजी। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान भट्टी आपको मजीद तफसील बताएंगे। जी इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्यों किया जा रहा है यह एहतजाज? जी बिल्कुल, साहिवाल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन एपका की तरफ से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाल और साहिवाल के मुख्तलिफ मुकामात पर महकमा एंटी करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज करते हुए महकमा एंटी करप्शन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और एहतजाज करने वाले शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। यह एहतजाज कुछ रोज पहले अचानक महकमा एंटी करप्शन ने मुजक्करा मुकदमा की बाबत कुछ मुलाजमीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन एपका के अहदेदारान का कहना है कि महकमा एंटी करप्शन ये तासर दे रहा है कि मुजक्करा सरकारी अहलकारों ने 4,38,90,000 का फ्रॉड किया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। दरअसल हकीकत यह है कि यह रकम निजी मार्की के मालकान के जिम्मा है, जिसकी रिकवरी का केस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जेर समात है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन एपका के अहदेदारान ने अपने मुतालबात बताते हुए कहा कि डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन को फील फॉर मुत्तल किया जाए और इंक्वायरी फाइल कमिश्नर साहिवाल या किसी भी जुडिशनल ऑफिसर के सुपुर्द की जाए। अगर दो दिन में तमाम मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन एपका साहिवाल दफातर की तालाबंदी करने के साथ साथ म्यूनसिपल सर्विसेज बंद कर देगी और महकमा एंटी करप्शन के दफातर का मुहाजरा किया जाएगा और ईद अल अजहा का काम भी बंद कर दिया जाएगा। जी